और डिजिटल वर्ल्ड का सहारा लेते हुए, डिजिटल टूल्स का सहारा लेते हुए इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब लोग शामिल हुए हैं। एक बार पुनः आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने पर स्वागत करता हूं मैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर उनको अपनी ओर से और करोड़ों करोड़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनको हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं पार्टी के अध्यक्ष की दृष्टि से कि वह पूरी ताकत के साथ, जैसा उन्होंने पिछले 6 वर्षों में देश की सेवा प्रधानमंत्री के रूप में की है, उसी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ ईश्वर उनको शक्ति दे ताकि वो अच्छे से और पूरी ताकत के साथ देश की सेवा में जुटे रहे। हम सब जानते हैं कि यह जो समय गुजरा, यह अकॉम्प्लिशमेंट्स का, दिस हैज बीन अ ईयर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड ऑल्सो वी हैव फेस्ड अनइमेजिनेबल चैलेंजेस ऑल्सो। और प्रधानमंत्री जी ने बखूबी सारी चीज़ों को फ्रंट से लीड करके देश को एक दृष्टि दी और देश की सेवा में कोरोना के वायरस के साए को भी ठीक तरीके से संभालने का काम किया है, ये सब हम लोग जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल में भारत स्वावलंबी हुआ, आत्मनिर्भर भारत और आत्मसम्मान के साथ भारत की छवि दुनिया में बनी है। यह मोदी जी के नेतृत्व के कारण हुआ है। हम यह भी जानते हैं कि पिछले 6 वर्षों में जो 7 दशक का गैप था, उस गैप को 6 सालों में पूरा करने का प्रयास हुआ है। पहले अगर हम देखें और हम इस बात को समझें कि पहले कार्यकाल में मोदी जी ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लॉन्ग अवेटेड रिफॉर्म्स किए, वही तीव्र गति से दूसरे कार्यकाल में, प्रथम वर्ष में तीव्र गति से बोल्ड डिसीशंस भारत की एकता और अखंडता के लिए, और उसी तरीके से सोशल जस्टिस, उसी तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस और उसी तरीके से हार्ड डिसीशंस लेते हुए देश के आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंच सके, इसके प्रयोजन, इसके आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 साल में किए हैं। दिस गवर्नमेंट हैज बीन रिस्पॉन्सिव, दिस गवर्नमेंट हैज बीन रिसेप्टिव एंड दिस गवर्नमेंट हैज द कैपेसिटी टू टेक डिसीशंस, ये सब हम लोगों ने देखा है। आज हम जब 1 साल पूरा कर रहे हैं तो हम ही नहीं, सारा विश्व कोरोना के साए में जी रहा है। और यह स्थिति कोरोना के दृष्टि से देखी जाए तो हम यह कह सकते हैं कि अन्य देशों के मुकाबले भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की लड़ाई एक इस तरीके से लड़ी जिसमें भारत की स्थिति संभली हुई रही और बहुत हद तक उसको संभाल के रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना की लड़ाई में जन भागीदारी, जन सहयोग, सबको साथ लेकर के चलना और उसके साथ साथ टाइमली एंड बोल्ड डिसीशंस लेना, ये मोदी जी की खासियत रही है। और इस कारण से हम ये भी देखते हैं कि जहां बड़े महाशक्तिशाली देश जो समस्याओं से घिर गए और वह भी अपने आप को कोरोना के सामने असहाय मानते हैं, वहां भारत देश ने कोरोना की लड़ाई इस प्रकार से लड़ी और इस तरीके से उस काम को संभाला। वह दूरदृष्टि थी प्रधानमंत्री जी की, जिसने समय पर लॉकडाउन किया और लॉकडाउन के कारण आज भारत की स्थिति संभली हुई परिस्थिति में हम सबको देखने को मिलती है, तो यह भी हम लोगों ने देखा है। अगर इसके साथ साथ हम कहें तो एक समय था जब लॉकडाउन किया गया तो उस समय कोरोना की टेस्टिंग फैसिलिटी सिर्फ 10,000 थी पर डे, आज 1,60,000 टेस्टिंग फैसिलिटी हो गई है। उसी तरीके से उस समय हमारे पास पीपीई किट्स की कमी थी, लेकिन आज लगभग 600 उद्यमी हमारे देश के, लगभग 4,50,000 पीपीई किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स, उसके जो किट्स हैं वो आज 4,50,000 प्रतिदिन बन रहे हैं, यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। उसी तरीके से वेंटिलेटर्स, 60,000 वेंटिलेटर्स का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 58,000 वेंटिलेटर्स भारत में ही बन रहे हैं,
यह है आत्मनिर्भर भारत का की पहचान जिसको उन्होंने बनाया है। और इसमें से 50,000 वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड के फंड से खरीदे जा रहे हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अगर हम कहें तो आज 2 लाख हमारे पास बेड कैपेसिटी हो गई, और इसी के साथ साथ हमारी आईसीयू कैपेसिटी बढ़ गई। तो हमने कोशिश की है कि स्वास्थ्य के ढांचे को, जहां शक्तिशाली देश स्वास्थ्य के मामले में उनके सिस्टम्स चरमरा गए, कोलैप्स कर गए, वहां भारत ने अपने आप को संभाल करके चलाने का प्रयास किया। और मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़े। हमारे देश के उद्यमियों ने भी इसमें साथ दिया, और इसके कारण आज हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार भी हुए हैं, और स्वदेशी और स्वावलंबन के मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए, वी आर द कंट्री जिसने आर्थिक दृष्टि से भी लोगों की चिंता की गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सराहा, उन्होंने कहा हेल्थ इज नॉट द ओनली फैक्टर विच हैज टू बी टेकन इन टू केयर, इंडिया हैज टेकन अ लीड एंड इंडिया हैज शोन दैट इकोनॉमिक एस्पेक्ट इज ऑल्सो टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन, एंड फॉर दैट मोदी जी हैज टेकन अ लीड। यह बात भी उन्होंने कही। 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज उस समय दिया गया, उसके माध्यम से हम लगभग 80 करोड़ लोगों को उनके राशन की व्यवस्था की गई, 20 करोड़ बहनों को उस हमारे जनधन के खाते में, उनके जनधन के खाते में 500 500 रुपए पूरे 3 महीने के लिए डालने का हर महीने के लिए प्रयास किया गया। उसी तरीके से हमारे दिव्यांग भाई, हमारे बुजुर्ग, उनके भी खातों में 1,000 रुपए देने का प्रयास हुआ। उसी तरीके से मनरेगा में जिसकी दिहाड़ी 182 रुपए थी, उसको बढ़ा करके 202 रुपए कर दी गई, और लगभग मनरेगा का आवंटन 1,00,000 करोड़ रुपए, रिकॉर्ड आवंटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, यह भी हम कह सकते हैं। उसी तरीके से 20,00,000 करोड़ रुपए का एक होलिस्टिक पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, जिसके बारे में हमारे निर्मला जी ने अगले 5 दिनों में, उसकी घोषणा के 5 दिनों बाद, किस किस सेक्टर के लिए, किस किस सेगमेंट के लिए क्या क्या प्रयोजन किए गए, उसको आपको विस्तार से बताया है। दिस इज ए होलिस्टिक पैकेज, जिस पैकेज के माध्यम से ये प्रयास हुआ है कि हर सेक्शन को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके, कैसे उनको खड़ा किया जा सके, कैसे उनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सके इस तरीके के, और साथ ही साथ उनको किस तरीके की रियायतें दी जा सके, इस बात को भी करने का प्रयास किया है। उसी तरीके से अगर हम कहें तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेते हुए कोरोना की लड़ाई के बीच में हम लोगों ने 100 से ज्यादा देशों को उस समय हम लोगों ने राहत पहुंचाने का काम किया, और उनको मेडिसिन पहुंचाने का काम किया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जहां कोरोना की लड़ाई है, और कोरोना की लड़ाई के साथ साथ उसको होलिस्टिक तरीके से किस तरीके से लड़ा जा सकता है, इसकी दृष्टि मोदी जी ने अपने नेतृत्व की क्षमता में दिखाई है, और यह इस लड़ाई को बहुत, जिसे मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी शिद्दत के साथ और फ्रंट से लड़ करके, और मैं यह भी कहना चाहूँगा और यहाँ पर देश को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के एक एक आह्वान को देश ने रिस्पॉन्ड किया, देश ने सुना, देश ने समझा, देश ने उसको आत्मसात किया। इसके लिए मैं देश की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही साथ मोदी जी ने जिस नेतृत्व क्षमता को दिखाया है वह सच में अनुकरणीय भी है, और वह सच में प्रशंसनीय है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, कोरोना के साथ साथ भारत ने मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में, प्रथम वर्ष में बहुत डिसाइसिव डिसीशंस लिए। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की, अगर मैं बात करूं 35A के जाने की, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति का नतीजा था, और उसको सूत्रधार बने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने उसको कार्य रूप दिया। दुनिया बोलती थी ये असंभव है, हम लोग बहुत समय से कहते थे एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, लेकिन ये बचपन से कहते हुए हम जानते थे कि इसको करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति ने इसको पूरा किया, और धारा 370 को समाप्त करके, एब्रोगेट करके, जम्मू कश्मीर की जनता जो जिसको जो मुख्य धारा में शामिल होने में दिक्कत आती थी,
वह आज मुख्य धारा में शामिल हो गई है। वहां की महिलाओं के जो भारत के कानून नहीं लगते थे और उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी, आज उनको वो प्रोटेक्शन मिल रहा है। हमारे दलित भाई जिनके साथ अन्याय हो रहा था, वर्षों से अन्याय हो रहा था, उनको आज न्याय मिल रहा है। हमारे पाकिस्तान से आए हुए हमारे रेफ्यूजी भाई जो जम्मू कश्मीर में बस गए, उनको न्याय नहीं मिल रहा था, उनको आज न्याय मिल रहा है। उसी तरीके से हमारे प्रॉपर्टी राइट्स जो महिलाओं की थी, वह हमको उनको नहीं मिलती थी, वह आज उनको मिल रही हैं। इस तरीके से जम्मू कश्मीर, लद्दाख का इलाका वो हमेशा इग्नोर्ड था, वो आज मुख्य धारा में शामिल होकर के अपने विकास के प्रगति के पथ पर चल पड़ा है। इसलिए धारा 370 ये देश की एकता और अखंडता का बहुत महत्वपूर्ण फैसला था जिसको मोदी जी ने लिया है। अगर हम उसके साथ साथ बात करें तो हमारे CAA का सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, वर्षों से बात चली आ रही थी कि हमारे अफगानिस्तान से, हमारे बांग्लादेश से, हमारे पाकिस्तान से जो बेचारे आए हैं, रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं, उनको यहाँ पर भारत में स्थान मिलना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला लिया और इस फैसले के कारण आज CAA सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ और उनको मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिला, उनको सिटीजनशिप राइट्स मिले, ये हम ध्यान में है। हमारी मुस्लिम बहनें, हमारी माताएं जो 3 तलाक के कारण बहुत तकलीफ में थी, दिक्कत में थी, उनकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने की और जो 3 तलाक था उसको, ये एक जिस जो एक कुरीति थी उसको समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसी तरीके से टेररिज्म से लड़ने के लिए देश में UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत टेररिस्ट को टेररिस्ट घोषित करना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, यह काम भी प्रधानमंत्री जी ने बखूबी कानून में परिवर्तन ला करके किया। NIA की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दायरे को बढ़ाया और उस दायरे को बढ़ाने के साथ साथ विदेशों में भी अगर ऐसी एक्टिविटी होती है तो उनको भारत के कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ एक्शन हो, इस बात का भी प्रयास हुआ है। उसी तरीके से एक बहुत जिसको कहते हैं बोल्ड डिसीशन पॉक्सो का लिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, उसमें डेथ पेनाल्टी का काम किया गया, तय किया गया कि यदि कोई बच्चे के साथ दुष्कर्म करता है तो उसको डेथ पेनाल्टी होगी, इस तरीके का भी, इस तरीके का कार्य को आगे बढ़ाया गया। यही नहीं, अगर हम बात करें इस छोटे से एक साल के अंदर FDI के, सिविल एविएशन में FDI की परमिशन दी गई ताकि सिविल एविएशन की इंडस्ट्री आगे बढ़े और इस तरीके से देश की इकोनॉमी को गति मिले। हम लोगों ने, मोदी जी ने कॉरपोरेट टैक्स को रिड्यूस किया, इस कॉरपोरेट टैक्स के रिडक्शन के कारण बहुत नीचे तक मार्केट में पैसा का सर्कुलेशन के माध्यम को आगे बढ़ाने का काम किया। उसी तरीके से बैंक्स मजबूती से आगे खड़े होकर के लोगों की सेवा में जुटे, इसलिए बैंक्स का मर्जर करके बैंक्स को मजबूत बनाया, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी को मजबूत बनाया, NPO को कम किया और लेंडिंग कैपेसिटी को आगे बढ़ाने का काम किया। अभी कोरोना के साए में ही NBFC लोन्स पर जो मॉरिटोरियम लगाया उससे भी लोगों को राहत मिली है। उसी तरीके से कंपनीज एक्ट में परिवर्तन किया गया, कंपनीज एक्ट के परिवर्तन के कारण आज कंपनी सुविधा के साथ और हिम्मत के साथ अपनी बिजनेस एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रख करके किया गया। इजी लोन अरेंजमेंट्स इसी 20 लाख पैकेज में भी किया गया है MSME सेक्टर के लिए। और हम जानते हैं कि त्रिपुरा में ब्रू रियांग की समस्या बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन उस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा था। हमारे गृह मंत्री जी ने मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा फैसला लिया और जिसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये ब्रू रियांग बहुत छोटी जनसंख्या वाले लोग थे लेकिन इनके लिए भी व्यवस्था की गई और इनको भी, इनके भी समस्या का सुझाव किया गया, ये हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। उसी तरीके से बोडोलैंड और बोडोलैंड की समस्या लंबे समय से चल रही थी उसका भी समाधान किया गया। हमारे जो रीजनल कोऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप का RCEP का विषय था, यह किसानों के खिलाफ था, यह उद्यमियों के खिलाफ था, यह मध्यम उद्यमियों के खिलाफ था। प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड लेकर के RCEP से अपने आप को अलग किया
और यह देश के हित में फैसला इतना बड़ा लिया वो हम सब जानते हैं, और उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। मित्रों, इस छोटे से काल में ऐसे छोटे बड़े बहुत से फैसले लिए गए, जिन फैसलों के कारण आज भारत देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तीव्र गति से आगे चल रहा है, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। मैं एक बात निश्चित रूप से यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में एक सपना रहा, और ये दशकों का नहीं, सदियों का था, ये शतकों का सपना था कि रामलला का मंदिर, भव्य मंदिर वहां पर बने। इस काम को निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने, पूरे पांचों बेंच के जजेस ने एक मत से फैसला दिया। उनका फैसला हम सबके लिए स्वागत योग्य रहा, लेकिन यह भी मैं बताना चाहूंगा कि यह फैसला हुआ, इस फैसले को न आने में कांग्रेस ने लगातार लंबे समय तक अड़ंगा लगाया, लेकिन यह फैसला हुआ। आज मुझे खुशी है कि वहां पर प्रधानमंत्री जी ने वहां श्री राम तीर्थ स्थल का एक ट्रस्ट का उसको जमीन को आवंटित करके उस ट्रस्ट को हैंडओवर कर दी है। अब वहां पर भव्य राम मंदिर बनेगा, यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, ऐसी इस छोटे से कार्यकाल में इतने बड़े बड़े काम हुए, और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के इस काम को नीचे तक पहुंचाने का काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, आज प्रधानमंत्री जी ने, आप लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने एक चिट्ठी देश के नाम संदेश भेजा है। इस देश के नाम संदेश जो भेजा है प्रधानमंत्री जी ने, इसको हमारे कार्यकर्ता 10 करोड़ परिवार तक पहुंचाने वाले हैं। हम इसे 10 करोड़ परिवार तक ले जाएंगे, और इसके साथ साथ लगभग 250 वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, और इसके साथ साथ 2000 से ज्यादा वर्चुअल मीटिंग्स होंगी, पब्लिक रैलीज होंगी। एक एक रैली में हजार हजार कार्यकर्ता, हजार हजार लोग जुड़ेंगे, और हमारे जो मोर्चा के सभी कार्यकर्ता हैं, वह मोर्चा के सभी कार्यकर्ता 500-500 इस प्रकार की वर्चुअल रैलीज करेंगे, समाज के विभिन्न वर्गों की रैलीज करेंगे, ताकि मोदी जी का संदेश जन जन तक जाए, और उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम जनता तक पहुंचाएं, इस काम को हम करेंगे। कोरोना के संकट में हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। मुझे खुशी है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर फीड द नीडी में 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फूड पैकेट्स पहुंचाए, और इसी तरीके से 4 करोड़ से ज़्यादा राशन बांटे, लगभग 5 करोड़ के आसपास फेस मास्क बांटे हैं, फेस कवर बांटे हैं। तो हमारी कोशिश रही है पार्टी की ओर से भी, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरी ताकत प्रदान करें, उसके साथ साथ जनता की सेवा में हम जुटे रहें, राष्ट्र की सेवा में हम जुटे रहें। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा उपकरण बने राष्ट्र की सेवा में, और मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए कामों को अमलीजामा पहुंचाने के लिए नीचे तक